पवनदीप राजन का उन्हीं के शहर में जोरदार स्वागत किया गया, जैसे पवनदीप पहली बार किसी अनजान शहर में आए हों। ये तो बात सच है कि पवनदीप उत्तराखंड के लिए स्पेशल तो हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज के हुनर से पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। आज हर कोई इस उत्तराखंड के लाल को जानता है, पहचानता है। ऐसे में अपने शहर में पवनदीप का स्वागत तो बनता है, और जब जब पवनदीप आते हैं तब तब उनका खास स्वागत होता है। कल उत्तराखंड में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, और जहां पवनदीप को स्पेशली इनवाइट किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पवनदीप से मुलाकात की, उन्हें बधाइयां दी और काफी देर तक पवनदीप से बातें की। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने पवनदीप को महंगे तोहफे भी दिए, जिसे सुनकर उनके फैंस भी खुश हो जाएंगे और एक बार फिर पवनदीप को बधाइयां मिलने लगी हैं। दरअसल हुआ ये कि पवनदीप को सीएम धामी ने एक स्टूडियो गिफ्ट किया है, जिसे पवनदीप के लिए बनवाया गया है, पवनदीप के नाम बनवाया गया है। पवनदीप यहाँ स्टूडियो की मदद से म्यूजिक को एक नई दिशा देंगे, उन्हें कुछ मदद मिलेगी और वो उत्तराखंड की जनता की भी मदद कर पाएंगे, जो पवनदीप की तरह अपने इस हुनर को सजाना चाहते हैं, एक नई पहचान दिलवाना चाहते हैं। पवनदीप उन युवाओं की इस स्टूडियो के जरिए मदद कर सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जनता को ये तोहफा बहुत पसंद आया और लोग पवनदीप को बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि आज टैलेंटेड पवनदीप की वजह से उत्तराखंड के युवाओं को एक नया मौका मिला है। इससे पहले भी सीएम धामी की तरफ से पवनदीप को गाड़ी और कई महंगे तोहफे मिल चुके हैं। पवनदीप अपने उत्तराखंड को नई पहचान दिलवाने की कोशिश में लगे हैं। फिलहाल आप पवनदीप की इस नई कोशिश के लिए क्या कहना चाहेंगे और उन्हें बधाई जरूर दें? क्या पवनदीप के लिए आपके पास कोई नया विचार है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 के कुछ कंटेस्टेंट पवनदीप और अर्निता के प्यार में इस कदर पागल हो चुके हैं कि वो इन्हें अपने कैप्टन समझकर काम कर ही नहीं रहे, बल्कि इन्हें भी यही लग रहा है कि जैसे हम वैसे ही पवन अरु भी हैं। जी हाँ, पवन अरु को हल्के में लेते हुए बच्चे पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं। शायद इनके फ्रेंडली होने पर बच्चे जल्दी सीख भी रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे इनसे हर छोटी छोटी मदद ले रहे हैं और बिना हिचके। खाली टाइम में पवन अरुणिता बच्चों के साथ खेलते भी हैं, इनके साथ खाना भी खाते हैं और बातें भी खूब करते हैं, जिससे बच्चे बिल्कुल हिचकते नहीं और हर बात इनसे पूछते हैं। इनका कब वक्त निकल जाता इन्हें पता ही नहीं चलता। इतना ही नहीं, इन कंटेस्टेंट के पेरेंट्स भी इन दोनों के साथ खूब घुल मिल चुके हैं। काम के साथ इनके पेरेंट्स इनसे मिलने आते हैं और इनके साथ खूब फोटो शूट करवाते हैं। हाल ही में आपने शायशा की फैमिली को तो देखा ही था। शायशा की पंजाबी फैमिली ने पवनदीप की अच्छी खासी खातिरदारी की थी। पवनदीप ने खुद बताया था कि शायशा की पंजाबी फैमिली ने इनके सामने बड़ी सी थाली में कई तरह के खाने परोस दिए थे और अपने हाथों से जबरदस्ती खिलाए थे। उसके बाद बड़े बड़े ग्लास में पवनदीप के लिए लस्सी आती है, जिसका ग्लास देखकर ही पवनदीप की हालत खराब हो जाती है। लेकिन पंजाबी अगर लस्सी ना पेश करें तो वो बात में मजा ही कहाँ आता है। इनके अलावा कल एक क्यूट सी बच्ची की माँ पवनदीप के पास आती है और पवनदीप के कंधे पर हाथ रखकर रोमांटिक फोटो शूट करवाती हैं। बच्ची की माँ को इतना करीब देखकर पवनदीप की तो हालत ही खराब होने लगती है। उसके बाद वो अनिता के साथ भी फोटो शूट करवाती हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से लगातार इनके ऐसे ही मजेदार वीडियो सामने आ रहे हैं। अगर आप भी पवन अरु के इन दिलचस्प वीडियो को देखना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि सबसे पहले हम आप तक पहुँचा पाए। सुपरस्टार सिंगर 2 का कल यानी सैटरडे वाला एपिसोड बहुत बिंदास रहा। पूरी फैमिली ने मिलकर इस मंच पर नीचे बैठकर खाना खाया। हिमेश रेशमिया ने ये प्यारी सी फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी की। ऐसी फोटो में गाना प्ले किया गया है, अपने तो अपने होते हैं। अरुणिता पवन ने एक ही थाली में खाना खाया था। कल वाले एपिसोड में पवन अरुणिता की खूब टांग खिंचाई भी की गई, जब पवन बार बार अरुणिता के पास किसी बहाने से आ रहे थे, कभी नारियल पानी लेकर तो कभी जूस देने के लिए। तो पूछा जाता है कि वो अरुणिता का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं। उसके बाद पवन अरु का पंजाबी डांस और फिर लास्ट में आदित्य नारायण ने भी अरुणिता की ड्रेस को लेकर धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, अरुणिता कल वाले एपिसोड में स्काई ब्लू साड़ी पहनी नजर आई थी। अरुणिता इस साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी, और खास बात यह है कि पवन भी अरुणिता की साड़ी के कलर की मैचिंग कपड़े पहने थे। तो पहले ही लोग उन पर नजरें गड़ाए बैठे थे कि भाई
ये प्यार नहीं तो क्या है कि आदित्य नारायण ने अनुता की साड़ी की धज्जियां ही उड़ा दी। आदित्य नारायण ने कहा कि अनुता मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अनुता डर के मारे खड़ी हो जाती है कि पता नहीं उनकी ड्रेस में क्या लगा है, यह ड्रेस अजीब लग रही है। आखिरकार वही हुआ, आदित्य कहते कि अनुता तुमने अपनी साड़ी में ये लहसुन क्यों लगाए हुए हैं। अरुणिता की साड़ी में शंख के आकार के कुछ मोती लटके थे जिन्हें आदित्य नारायण ने मजाक में लहसुन बता दिया। आदित्य के इस जवाब से अरुणिता शर्मा जाती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। सोनी टीवी के रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 2 अपनी लोकप्रियता के मामले में बाकी सभी रियलिटी शोज को पीछे छोड़ रहा है। अब इस मशहूर शो को अपने टॉप 15 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं और आज इनका चौथा एपिसोड होने वाला है। इन कंटेस्टेंट में समायरा, प्रज्वल, विश्वास, रोहन दास, सोयाबली, प्रत्युष, अरुणा, आर्यानंद बाबू, संतनी, कांचीलाल, शायशा, विश्वजा, हर्षिता, चैतन्या, मोहम्मद फैज, ऋतुराज, मणि जैसे कंटेस्टेंट शामिल हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखा जाएगा कि कैसे ये 15 कंटेस्टेंट में से कौन विनर बनेगा और किस कंटेस्टेंट का कैप्टन सुर्खियों में आने वाला हूँ। भैया आपको बता दें, शो में इस वक्त प्रज्वल नाम का कंटेस्टेंट खूब सुर्खियों में, जो पवनदीप की टीम का बताया जा रहा है। हालांकि प्रज्वल की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही है, लेकिन वो पवनदीप की टीम के कंटेस्टेंट है तो हो सकता है कि वो ही विनर बने। पंजाब की 10 साल की समायरा ने भी अपने अविश्वसनीय आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने किस लिए मैंने प्यार किया पर अपनी परफॉर्मेंस देकर अलका जी को इमोशनल कर दिया था। पश्चिम बंगाल के रहने वाले 11 साल के प्रज्वल विश्वास तुरंत ही सभी की पसंदीदा बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जजेस के सामने सुन मेरे बंधु रे गाना गाया था और जजेस ने प्रज्वल का नाम उनका नाम प्रभु प्रज्वल भी रख दिया। उनके प्रदर्शन से सभी कप्तानों को मंच पर सराहना मिली और खूबसूरत आवाज और प्रतिभा को नमन किया गया। मंच पर आग लगाने वाले पश्चिम बंगाल के रोहन दास सिर्फ 10 साल के, उन्होंने हम थी वो थी और समा रंगीन समझ लेना पर शानदार परफॉर्मेंस दी। इनकी परफॉर्मेंस से हिमेश रेशमिया इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने बच्चे को कंप्लीट परफॉर्मर कह दिया। हरियाणा के शोएब अली जो कप्तान सलमान अली की कुर्सी छीनने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे और इनके बीच टक्कर खूब दिखाई दे रही है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। मध्य प्रदेश के प्रत्युष आनंद ने न सिर्फ अच्छा गाना गाया बल्कि कुछ स्वादिष्ट खाने के साथ उन्होंने सभी को खुश कर दिया। पश्चिम बंगाल की 14 साल की अरुणा दास ने भी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और अनिता कांचीलाल बहुत खुश हुई इनकी परफॉर्मेंस से। पहले आपको सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट अब तक का कौन लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।